बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पिंद सिंह, फाउंडर एंड सीईओ सिविल गुरुजी। दोस्तों, जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने बात किया था बिलिंग इंजीनियर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस थंबनेल पे जाके देख लीजिए या फिर यहाँ ऊपर लिंक दिया हुआ है जहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं उस वीडियो को कि क्या होता है बिलिंग इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ ये चार टॉपिक जान के आप बिलिंग इंजीनियर में महारत हासिल कर सकते हैं। यदि आप एज अ बिलिंग इंजीनियर जॉब करने जाते हैं इस इंडस्ट्री में तो सिर्फ चार टॉपिक में मास्टरी कर लीजिए। सबसे पहला प्रिपरेशन एंड प्रोसेस ऑफ बिल, सेकंड रिकॉन्सिलेशन बिल, थर्ड प्राइस एस्केलेशन बिल, फोर्थ डेली बैलेंस शीट दैट्स कॉल्ड डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। यदि इन चार चीजों पे आप महारत हासिल कर लेते हो तो आप किसी भी इंडस्ट्री पे, किसी भी कंपनी पे जाके एज अ बिलिंग इंजीनियर परफेक्ट लेवल में आप जॉब कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिपेयर एंड प्रोसेस ऑफ बिल, एक बिल को किन किन तरीके से बनाया जाता है, एक बिलिंग इंजीनियर को किस किस टाइप की बिल बनानी पड़ सकती है अपनी इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले क्लाइंट बिल, जिसके लिए हम अपॉइंट होते हैं, कि जिस कंपनी में हम अपॉइंट कर रहे हैं वो कंपनी किस क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, उस कंपनी को पेमेंट करवाना क्लाइंट से हर एक आइटम का डिटेल पे, दैट्स कॉल्ड क्लाइंट बिल। और जो वो जो काम कर रहे हैं उसको ले कोई लेबर करेगा, या तो आइटम वाइज करेगा या स्लैब रेट में करेगा। आइटम वाइज का मतलब एक स्पेसिफिक आइटम के लिए, एक्सकवेशन के लिए अलग टीम, प्लास्टर के लिए अलग टीम, ब्रिकवर्क के लिए अलग टीम, कंक्रीटिंग के लिए अलग टीम, रेइंफोर्समेंट के लिए अलग टीम, शटरिंग के लिए अलग टीम। यदि हर एक पार्ट पे कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो रहा है या हर एक पार्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर स्पेसिफिक है, या आपने जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया है वो आइटम वाइज आपसे रेट ले रहा है, तो आपको रेट वाइज आइटम वाइज बिल बनाना होता है। और यदि आपने पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी बिल्डिंग का, एक किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, बिया एक्सकवेशन से लेकर प्लास्टर तक का पूरा काम तेरा एज पर स्लैब रेट, या फिर आपने पूरा का पूरा एक रिलेशनशिप मेंटेन करके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना लगेगा और शटरिंग का, और उसको आपने स्लैब रेट पे कन्वर्ट करके, स्लैब रेट से रिलेट करके आपने उसको पेमेंट कर रहे हो, तो स्लैब रेट बिलिंग कैसे बनाते हैं। तो तीनों टाइप की बिलिंग यदि आपको बनाने आता है तो आप बहुत ही आसानी से बिलिंग इंजीनियरिंग में परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन का मतलब वेस्टेज कंट्रोल करने के लिए। आप सोचो कितना परसेंट वेस्टेज अलाउ करते हैं साइट पे, सोचिए। हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि हम कम से कम 3%, 4%, 5% लोग बोलते हैं 3%, 4%, 5% वेस्टेज अलाउ करना चाहिए। सोचिए यदि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ तो 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में कितना परसेंट वेस्टेज, 2%, 2 करोड़ रुपए। हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई 2 करोड़ रुपए का लॉस करने के लिए आपको अपॉइंट करेगा साइट पे? क्या यह पॉसिबल है कि हम 2 करोड़ रुपए का वेस्टेज करके साइट में अपॉइंट हो सकते हैं? 1%, 1 करोड़ रुपए, क्या यह भी पॉसिबल है 1 करोड़ रुपए का वेस्टेज? बाप रे, इतना तो पेमेंट नहीं होता यार हमारा, पेमेंट नहीं होता इतना हमारा। तो हम क्या करें ऐसा कि वेस्टेज जीरो, एग्जैक्ट जीरो वेस्टेज मेंटेन करना होता है हमको, एक्चुअल जीरो वेस्टेज। उस जीरो वेस्टेज को मेंटेन करने के लिए हम मेंटेन करते हैं पर मंथ रिकॉन्सिलेशन बिल। ये कुछ ऐसी कहानी है कि मम्मी ने मेरे को 100 रुपए दिया था खर्चा करने के लिए, जा बेटा मेला घूमने के लिए, और 100 रुपए लेके मैं मेला घूमने गया, और मेला घूमने के समय मेरे पास करीब 42 रुपए के खर्चे हो गए, बिल है मेरे पास 42 रुपए का। घर आके मैं चेक करो, मेरे पर्स में 58 रुपए बचे होने चाहिए, 58 रुपीज बैलेंस होने चाहिए मेरे पर्स में, और पर्स खोल के देख रहा हूं मेरे जब में बचे 55 रुपए मात्र, 3 रुपए घूम गए। वो 3 रुपए किस लिए घूमे, यदि मैं डेली बैठ के इसको एनालिसिस करूं कि डेली मेरे रुपए लॉस हो रहे हैं, भैया 42 रुपए खर्चा हुआ, 58 रुपए जेब में होना चाहिए था, 3 रुपए जेब में नहीं है, तो कैसे कैसे बच सकता है, कहां चोरी हो गया या कहां मेरे से लॉस हो गया, कहां मैं हिसाब किताब करने में गलती कर दिया। यदि इसको बैठ के मैं डेली एनालिसिस करता हूं तो मैं अपने लॉसेस को बचा लूंगा, मैं अपने लॉसेस होने से बचा लूंगा। यदि मैं प्रैक्टिस में साथ रहता हूं तो रिजल्ट मेरा अच्छा रहेगा। प्रोजेक्ट के लास्ट में यदि मैं सोचूं कि यार कितना लॉस हो गया, चेक करता हूं उस समय, तो उस समय बहुत ही नुकसान हो चुका होगा जिसको अंडू नहीं किया जा सकता। वो यदि वो आपको अंडू करने से बचना है, उस बाद में तब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, उस समय आपको पछताने से कोई मतलब नहीं होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन में साथ रहना पड़ेगा, जिसको हम बात करते हैं रिकॉन्सिलेशन से। थोड़ी सी बात करते हैं प्राइस एस्केलेशन। हमने टेंडर लिया था 2020 जनवरी पे, टेंडर को 2 साल का टेंडर है, और 2 साल बाद जो मटेरियल का रेट बढ़ चुके हैं, उस समय मटेरियल का रेट, टेंडर आज लिए हैं 2022 दिसंबर में हम काम कर रहे हैं, 2 साल का टेंडर है, उस समय तो रेट हर चीज का बढ़ चुका होगा। जब वो रेट बढ़ गया है तो उसका प्रॉब्लम मेरी कंपनी को क्यों हो, वो क्लाइंट का काम है। क्लाइंट 2 साल तक प्रोजेक्ट चला रहे तो हमें प्राइस एस्केलेट करके दिया जाता है, हम प्राइस एस्केलेट करते हैं इकोनॉमिकल एडवाइजर के द्वारा, प्राइस कोएफिशिएंट क्रिएट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया, उसको हमें कैलकुलेट करना होता है कंप्लीटली डिटेल बाय डिटेल हर एक आइटम का। लगभग 5 आइटम हम निकालते हैं, सीमेंट, स्टील, पीओएल, अदर मटेरियल एंड फिफ्थ लेबर।
बिल्डिंग प्रोजेक्ट में इन पांच आइटम का हम रिकॉन्सिलेशन निकालते हैं, और इन पांच आइटम का रिकॉन्सिलेशन हम अपने बनाए हुए बिल पे या तो ऐड करेंगे यदि रेट बढ़ चुका है तो, यदि रेट बढ़ चुका है तो हम उसको अपने बिल अमाउंट पे ऐड करेंगे, और रेट घट चुका है तो हम अपने बिल अमाउंट से उसको डेबिट भी करेंगे। ये दोनों पक्ष के लिए होता है, सिर्फ हम रेट बढ़ने पे ही क्लेम नहीं करेंगे। रेट घटा है तो क्लाइंट जबरदस्ती वो प्राइस एस्केलेशन बिल बनाएगा और बिल अमाउंट से वो रेट काट के देगा। दोस्तों ये सिर्फ तीन टॉपिक। फोर्थ टॉपिक डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब ये नहीं होता लेबर कहां काम कर रहा है वो लिख दिए, कितना सीमेंट लगा ये लिख दिए, या कितने लेबर लगे थे ये लिख दिए, कितना मटेरियल आया ये लिख दिया, ये डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं होता। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब होता है आज मेरे बॉस को मैंने कितना प्रॉफिट करके दिया या कितना नुकसान हुआ। डेली हम चेक करते हैं कि टोटल वर्क डन कितना है, टोटल लेबर एक्सपेंसेस कितना है, टोटल मटेरियल एक्सपेंसेस कितना है, कितना डिपार्टमेंटल लेबर का एक्सपेंसेस है, कितने स्टाफ एक्सपेंसेस है, कितना परसेंट मटेरियल, कितना परसेंट अमाउंट टोटल बिल का होल्ड हो जाएगा। टोटल बिल अमाउंट से यदि हम इसको माइनस करते हैं तब जाके वो प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें निकलता है कि हमने एक दिन में कितने रुपए का प्रॉफिट किया है, कितने रुपए का लॉस किया। ये डिपेंड करता है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे कि आप कैसे काम कर रहे हो, किस काम को करने से आपको प्रॉफिट हो रहा है, किस काम को करने से आपको लॉस हो रहा है। यदि आप इस चेक करने पे परफेक्ट है तो गारंटी है मेरी कि आप एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर है, यदि आपको इन चारों पार्ट में महारत हासिल है तो। और यदि आपको इन चारों पार्ट में महारत हासिल करना है तो ज्वाइन कीजिए सिविल गुरु जी कंप्लीटली 15 डेज के ट्रेनिंग पे। लास्ट का जो 15 डेज होता है हम इस डिपार्टमेंट में बात करते हैं कि कैसे एक सिविल इंजीनियर इस पार्ट में महारत हासिल कर सकता है। करना है कुछ खास तो चलो मेरे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। दोस्तों सिविल इंजीनियर का जॉब रोल इस टॉपिक पे हमने बात किया हुआ है, यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि जॉब रोल क्या होता है सिविल इंजीनियर का अपने साइट पे। इसी जोश के साथ कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।